नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। जहां एसटी एससी आरक्षण 50% से कम रहा, वहां ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम 35% आरक्षण रहेगा। ओबीसी की आबादी से अधिक ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो वही 25 मई तक जो आरक्षण की वो पूरी तैयारी है वो करनी होगी। पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है। ओबीसी की आबादी से अधिक ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है और 25 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। और पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन जो जारी हुई है वो भेज दी है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है। बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके चलते अब पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। 25 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। बता दें, पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है। पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। जहां एससी एसटी आरक्षण 50% से कम, वहां ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम 35% आरक्षण रखा गया है। ओबीसी की आबादी से अधिक ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो वहीं 25 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। हालांकि पंचायत विभाग ने कलेक्टर को भी गाइडलाइन भेज दी है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ओबीसी आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। जहां एससी एसटी आरक्षण 50% से कम, वहां ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम 35% आरक्षण रहेगा, तो वहीं ओबीसी की आबादी से अधिक ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और 25 मई तक जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और पंचायत विभाग ने कलेक्टर को गाइडलाइन भेज दी है। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पंचायत चुनाव में किस तरह से आरक्षण मिल गया है, मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। और पंचायत विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को पंचायत विभाग में आरक्षण की किस जो स्थिति स्पष्ट कर दी है और जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। हम गाइडलाइन की बात करें तो ओबीसी को वर्ग को वहाँ पर आरक्षण मिलेगा जहाँ पर एससी और एसटी वर्ग की जो आरक्षण है वो 50% से कम है। जो आरक्षण की स्थिति की बात करें तो इसकी जो तमाम बिंदु है उस पर हम बात करें, जहाँ पर एससी एसटी मिलाकर जो 50% से कम आरक्षण है, 50% तक पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त जो आरक्षण है ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी वर्ग को अधिकतम किसी भी वार्ड में, किसी भी पंचायत में 35% तक ही आरक्षण दिया जा सकेगा। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग को जितना आरक्षण दिया जा रहा है उतनी अनुपात में उसकी आबादी होना आवश्यक है। यानी हम समझे, यदि ओबीसी वर्ग को कहीं पर 10% या 20% आरक्षण दिया जा रहा है तो इतने अनुपात में वहाँ पर उस वर्ग की आबादी होना चाहिए। ये जो पंचायत विभाग की है बेसिक गाइडलाइन है, गाइडलाइन की बात करें सभी कलेक्टर को जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही अब हम कह सकते हैं कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया है वो शुरू होगी और ये स्थिति साफ हो चुकी है। दरअसल जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला है और ये कहा गया है कि जो आरक्षण की अधिकतम स्थिति है वो 50% हो सकती है किसी भी पंचायत में। ये जो आरक्षण है ये जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर पर जो आरक्षण होना है उसको लेकर जो गाइडलाइन जारी हो चुकी है और हम कह सकते हैं कि अब तमाम जो पंचायत है वहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, मैंने आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे।
रुख करते अगली खबर का, जो जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। बैठक में शामिल होने जयपुर रवाना हुए एमपी बीजेपी के नेता, बता दें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रवाना हो चुके हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी वहां पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश दुर्वे, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया पहुंच गए हैं। बता दें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी रवाना हो चुके हैं। 19 से 21 मई तक ये बैठक की जाएगी। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं भोपाल से। राकेश जी, देखिए अब जयपुर में बीजेपी का मंथन है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा होगी मंथन में? जो बैठक है बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की है और 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी, जो 3 दिन की बैठक का दौर है उसमें अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल होने जाएंगे। बैठक की बात करें तो एक बात एजेंडा है, मध्य प्रदेश के सहित जो बाकी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर रणनीति तैयार होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होगी और जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे, नए मुद्दे गूंजे हैं, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी और किस तरह से आक्रामक मोड में आएगी, उस तमाम जो बिंदु हैं जिसको लेकर रणनीति बनेगी। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के जो आगामी कार्यक्रम हैं और जिस तरह से पूरा देश में माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी किस भूमिका में आएगी, क्या और अधिक आक्रामक भूमिका में आना है या फिर ऐसे प्रदेश जो चुनावी जहां पर चुनाव होना है क्या वहां भी हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया जाएगा। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर मंथन होगा और जो बैठक की बात करें, जो है बैठक आज से शुरू होगी जो कि परसों तक लगातार जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है, मंथन किया जाएगा, कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी। राकेश जी बने रहिए, आगे आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुला ली है। भिंड और सीधी जिले को लेकर बैठक बुलाई गई है और सुबह 6:30 बजे से ये बैठक जारी है। गोविंद सिंह राजपूत समेत कई मंत्री इसमें शामिल हैं। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। भिंड और सीधी जिले को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और सुबह 6:30 बजे से ही ये बैठक चल रही है। बता दें इस बैठक में गोविंद सिंह राजपूत समेत कई मंत्री शामिल हैं। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि सुबह 6:30 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं, आखिर क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर ये बैठक ली जा रही है? देखिए, इस दिनों हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 दिन से सुबह जो अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स की, वहाँ के प्रशासन है, मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और आज की बात करें तो आज 2 जिलों की बैठक बुलाई है, भिंड और जो सीधी जिला। और भिंड की बात करें, फिलहाल भिंड जिले की बैठक चल रही है। बैठक में भिंड के कलेक्टर, तमाम जो प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो मंत्री अरविंद भदौरिया, ओपीएस भदौरिया और प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बैठक में शामिल हैं। जिस तरह से कसावट हम देख पा रहे हैं कि तमाम जिलों के जो अफसरों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी समीक्षा कर रहे हैं, जिलों में तमाम जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और हमने कल देखा था कि जब बुरहानपुर की बारी आई थी तो बुरहानपुर कलेक्टर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फटकार भी लगाई थी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो जिलों में कसावट इस समय हम देख पा रहे हैं सरकार की ओर से लगातार जारी है और ये जो कसावट का सिलसिला है सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है और आज 2 जिलों की बारी है। फिलहाल हम बात करें तो भिंड जिले की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भू अधिकार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह को फटकार लगाई। दरअसल जब सीएम वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब बुरहानपुर कलेक्टर कहीं और देख रहे। भी इधर उधर मुंडी नहीं लाए, सामने देखे सीधे। फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी
जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। खबर भोपाल से है, जहां शहर काजी मुफ्ती की लोगों से अपील सामने आई है। सोशल मीडिया पर जामा मस्जिद मामले में पोस्ट नहीं करने की उन्होंने अपील की है और साथ ही साथ जामा मस्जिद के खिलाफ खबरों को उन्होंने अफवाह बताया है। जामा मस्जिद की सेक्रेटरी से जानकारी ले सकते हैं शहर काजी। जामा मस्जिद के खिलाफ खबरों को काजी ने अफवाह बताया है और जामा मस्जिद की सिक्योरिटी से जानकारी ले सकते हैं शहर काजी। बता दें, उन्होंने किसी भी तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करने की अपील की है। तो वहीं एमपी में गाय के आहार पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, तो वहीं पीसी शर्मा ने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। बता दें, गाय पर घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, पीसी शर्मा का बयान भी सामने आया। राष्ट्रीय पशु घोषित कर समुचित योजना बनाई जाए, तो उन्होंने आगे कहा कि बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का पलटवार भी सामने आया। कांग्रेस का गाय के चारे पर सवाल उठाना गलत है। आगे कहा कि गाय के आहार की व्यवस्था पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों। याद इसलिए आ रही कि इनके लोगों ने गौशाला में गाय की हत्या की, जैसे मामला बेरसिया का सांडिल करके महिला थी जिसने करीब 1000 गायों की हत्या की, इसी तरह का मुरैना भेंट कई जगहों के मामले आए हैं जहाँ गायों की हत्या की है। अब इनको लग रहा है कि अगर करना है तो राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए गौ माता को, जिससे उसका संरक्षण। राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय को तो सब कुछ हो जाएगा, और 900 रुपए दें इसके लालन पालन को तो कुछ नहीं होगा। बाहरे कांग्रेस की बुद्धि, लगता है कांग्रेस में हर नेता राहुल गांधी बनने को चला है। अगर गाय की संरक्षण और संवर्धन को लेकर, गाय को तमाम प्रकार से राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मामले को लेकर जो देश का पहला आंदोलन था, साधु संतों का आंदोलन था, उन पर लाठी चार्ज गोली चालन करने वाली कोई सरकार थी तो वो कांग्रेस की सरकार थी। इस पाप का पश्चात कब करोगे कांग्रेसियों। खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया जो है, उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा, साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की। सिंधिया ने कहा कि पहले बीमारी की वैक्सीन विदेश से आती थी, लेकिन कोरोना महामारी ने केंद्र सरकार ने एक नहीं दो वैक्सीन बल्कि देश में बना ली है। तो वहीं सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से नगरीय निकाय चुनाव में एकजुट रहने की अपील भी की। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का दौरा था, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिंधिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। बता दें, उन्होंने जमकर मोदी सरकार की तारीफ की। और जिस देश में विदेश से वैक्सीन मंगाई जाती, स्मॉल पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, जब कोविड हुआ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी साइंस की टीम, हमारी रिसर्च की टीम, हमारी औषधि की कंपनियों ने साथ मिलकर जो ढाढ़स प्रधानमंत्री ने बनाया, पहली बार आविष्कार अगर कहीं विश्व में हुआ तो भारत में हुआ। दो दो वैक्सीन हमने तैनात किए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। आप खबर विदिशा से है, जहां कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंगाई, बिजली कटौती, पानी जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो नेताओं ने खाली मटके, टॉर्च और लालटेन लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और उनको रोकने आए पुलिस बल में झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पूछे जाने पर पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और विवाद की बात से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन खत्म किया। करा दिया, अभी तक तो विधवा विलाप कर रहे थे, 3 दिन पहले पत्रकार वार्ता करते और अब कल से छाती पीट रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया था। सबसे महत्वपूर्ण मांग आज हमारी यह है कि शहर में पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है। कई कॉलोनियों में 2-3 दिन में पानी जा रहा है और प्रशासन मौन है, और शासन का तो कहने ही क्या है, बहरे गूंगे अंधे लोग हैं,
इसलिए वहाँ तक तो आवाज़ पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन भी मौन। ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ये था कि कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन था पानी और बिजली की समस्या की वजह से, जिनको हमने मेन गेट पर रोकने का था, बट वो लोग अंदर आके ज्ञापन देना चाहते थे, तो उन्होंने अंदर आके ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को। भिंड में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ से चलने वाले पंखा और लालटेन जलाकर विरोध जताया, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह ने कहा कि जिले में 15-15 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कांग्रेस नेताओं ने बिजली विभाग के अफसरों और सरकार से बिजली की समस्या को जल्द दूर करने की मांग भी साथ ही साथ की। जिस प्रकार से अघोषित कटौती चल रही है, इसमें सुधार किया जाए, और जो भी अगर मेंटेनेंस के नाम पर एक आध घंटे यदि कोई कटौती की जा रही है तो उसकी पूर्व में सूचना दी जावे, एक दिन पूर्व में सूचना दी जावे, तो उसके बाद यह अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमने कहा है। शहर में किसी भी प्रकार की कोई बिजली कटौती नहीं है। प्री मानसून मेंटेनेंस मई जून में हमारे संधारण कार्य चल रहे हैं, लाइनों के ट्रांसफॉर्मरों का मेंटेनेंस चल रहा है, लाइनों का चल रहा है, FOC की कंप्लेंट अटेंड करने के लिए काम किए जा रहे हैं। कटौती नाम की कोई चीज़ नहीं है। कर्मचारियों के लिए अपन उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो कर्मचारी काम नहीं ढंग से कर रहे हैं उनके लिए अपने को हटाने का, उन पर कार्रवाई करने का भी प्रपोजल ऊपर भेजा है, वो करेंगे। इंटरन विभागीय जो कार्रवाइयाँ होंगी, जो लोग अपने कार्य में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे, तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार कर रहे हैं, करेंगे उन पर। तो राजधानी भोपाल में नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध मकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर 10,000 ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जिन्होंने स्वीकृत नक्शे से ज्यादा जगह पर निर्माण किया है। ऐसे में नगर निगम ने मकान मालिकों को कार्रवाई के लिए नोटिस थमा दिया है, और इन नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर मकान मालिकों ने अवैध मकानों को वैध नहीं कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एक्शन में नगर निगम दिखाई देने लगा है। मकान मालिकों को नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है, जल्द से जल्द अवैध मकानों को वैध करने का नोटिस दिया गया है। वो लोग शासन की योजना के तहत अपने भवनों को वैध नहीं करा रहे हैं, उनको वैधानिक रूप से नोटिस दिया जा रहा है, उसके लिए व्यापक स्तर पे वार्ड वार या जो भी कहें हमारे संबंधित भवन निगम शाखा के उपयंत्री स्टाफ सर्वे करके उन भवन स्वामियों को नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना भवन वैध करा लिए। तो वहीं राजगढ़ में पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दलित की युवक पर बारात पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं उसको लेकर कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने मकान पर बुलडोजर चला दिया। बता दें मंगलवार रात में आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। मंगलवार रात में ये पत्थरबाजी की गई थी, बारात पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसके बाद अब उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये देखिए किस तरह से बारात पर पत्थरबाजी करनी भारी पड़ गई, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बता दें हाल ही में दलित युवक की बारात पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया। पहले दलित के बारात पर पत्थरबाजी की गई और फिर आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। ये पूरी तस्वीर राजगढ़ की है, जहां पहले बता दें हाल ही में दलित की बारात पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अब आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया। खबर इंदौर से है, जहां व्यापारी और किसान गेहूं के निर्यात पर रोक का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी इनके समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध से किसान काफी परेशान हैं और वो मंडी से अपना गेहूं वापस ले जा रहे हैं। सरकार किसानों के हित में फैसला ले, और अपनी इस मांग को लेकर व्यापारी महासंघ ने भी PM को पत्र लिखा है। बता दें कि मुंबई और कांडला पोर्ट पर 7,000 से ज्यादा गेहूं के ट्रक अटके हैं, इसमें सबसे ज्यादा 4,000 ट्रक MP के हैं, जिसकी वजह से किसानों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारी और किसानों ने
विरोध जताया है और साथ ही साथ मांग की है कि जल्द से जल्द ये फैसला वापस लिया जाए। निर्यात पर रोक हटाने के बाद पीएम को चिट्ठी भी लिखी गई है और व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी अब उतर आई है। जीतू पटवारी ने निर्यात पर रोक हटाने की मांग की है। मैं मानता हूं इस पर सारे किसानों ने मुखरता से इसका विरोध करना चाहिए। जब आप तीन काले कानून लेके आए इसलिए कि किसान पूरे देश में अपनी फसल को आराम से बेच सके, बिना प्रतिबंध से बेच सके, तो विश्व में जब किसान की फसल जाती है तो प्रतिबंध कैसा, ये सवाल है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी को इस पूरे निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए और जो गेहूं का प्रतिबंध लगाया इसको चालू करना चाहिए। किसानों के हालात इस यातना को सहन करने जैसे हैं। एमपी के सबसे बड़े रेल जंक्शन पर यात्रियों को ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। रेलवे के वाटर कूलरों के साथ ही सार्वजनिक नलों में उबलता हुआ पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को ठेके के प्लेटफॉर्मों पर लगी एटीएम जल मशीनों पर पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। एटीएम जल मशीनों से यात्री पानी खरीद रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पानी के लिए यात्री लगातार परेशान हैं क्योंकि उबलता हुआ पानी यात्रियों को पीना पड़ रहा है, लेकिन अब पैसे देकर रेलवे जंक्शन पर यात्री पानी खरीद रहे हैं। वाटर कूलर से गर्म पानी आ रहा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम जल मशीनों से अब यात्री पानी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कूलर से गर्म पानी आ रहा है, जिसके चलते अब यात्रियों को अलग से पानी खरीदना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप इधर खड़े होकर? पानी पे निकले ले रहे हैं। स्टेशन पे ठंडा पानी नहीं है और कहीं? और क्या मिल रहा है? नालों में से क्या गर्म पानी निकल रहा है? और क्या, बहुत गर्म पानी। अच्छा, पानी लेना तो स्टेशन पे ठंडा पानी नहीं है क्या? नहीं नहीं है। पैसे से खरीद रहे हैं? नहीं, हाँ पैसे से लेना ही पड़ेगा ना सर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? पानी ले रहे हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे क्या ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है? खबर ग्वालियर से है, जहां दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला सामने आया है। जिला कोर्ट ने केस दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। लोअर कोर्ट का आदेश सामने आया है। असंवैधानिक जिला कोर्ट ने मामले में पुनर्विचार का आदेश दिया है। बीजेपी नेता अवधेश भदौरिया ने शिकायत की थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला सामने आया है। बता दें, बीजेपी नेता अवधेश भदौरिया ने शिकायत की है। जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने का हालांकि आदेश दे दिया है। लोअर कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है, तो वहीं दिग्विजय ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। ये पूरा मामला आपको बता दें कि क्या क्या था। पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था बीजेपी नेता अवधेश भदौरिया ने। मानहानि का केस दाखिल किया था, तो वहीं अधीनस्थ न्यायालय में 2020 में मानहानि का केस उन पर किया गया था। तो गुना के बिलोनिया में स्थित वेयर हाउस में एक पिकअप वाहन चालक ने हम्माल को गाड़ी से रौंदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हम्माल और पिकअप वाहन चालक के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है, वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। लाल मिल से काम करके निकल रहे थे, निकलते हुए वहाँ पे एक पिकअप लोड हो रही थी, वो उसने आके एकदम अचानक से उनको टक्कर मारी आगे से। इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन सभी ने वीडियो के माध्यम से तो यही देखा गया है कि उनको सामने से टक्कर मारी गई है। इससे तो हमको यही लग रहा है कि उनकी कोई पुरानी रंजिश ड्राइवर के खिलाफ है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।